आपने सुना, हमने बातचीत की है वर्ल्ड बाजार के मैनेजमेंट से जो फिलीपींस से ऑर्डर जीता है, उसके अलावा जो इनके एक्सपेंशन को लेकर योजनाएं हैं, बताइएगा किस तरह से आपका व्यू बनता है। देखिए, ईवी जो मार्केट है वो अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो धीरे धीरे डेवलप होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8% था, 8.3% आया 2024 में, एंड हमारी एक्सपेक्टेशन है कहीं पे भी एक बहुत अच्छे व्यू के साथ निकल के आएगा, बिकॉज कहीं पे भी 30% वन थर्ड ऑफ द सेल्स जो है ईवी सेल्स की कैटेगरी में आ जाएगी। हम पीवी सेल्स के ऊपर बात करते थे तो पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रांगली निकल के आता है, कंपनी का मैनेजमेंट काफी स्ट्रांगली तरीके से काम कर रहा है, बट बिकॉज ईवी सेगमेंट्स एक अनडेवलप्ड मार्केट है, गवर्नमेंट्स जो फेम स्कीम्स हैं ये ऑलरेडी इस प्रोसेस के अंदर काफी तरीके से काम कर रही है, जीरो कार्बन हो गया है या फिर इको सिस्टम बिल्डअप हो गया है, तो दोनों कैटेगरीज में काफी स्ट्रांगली काम हो रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम डेट, अगर किसी का व्यू है तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए रखें, यहाँ से व्यू स्ट्रांगली ही बन के आएगा क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर रेवेन्यू की भी पार्ट पे बात करें तो 154% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है मैनेजमेंट साइड से, सो व्यू स्ट्रांगली रहेगा। 120 से लेकर 150 के बीच के टारगेट्स रहेंगे अगले 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए, बट आपका व्यू एटलीस्ट यहाँ से 2 से 2.5 साल का होना चाहिए अगर आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स को लेकर। तो यहाँ पे आपको अपना नजरिया थोड़ा सा बढ़ाकर रखना होगा, यही सलाह है आपकी। गिरीश, चलिए।